हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच बेसिक मैथ्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, डेसिमल्स वाले नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस प्रकार करते हैं, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन वाले। ठीक है, तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब हमें कोई भी नंबर p अपॉन q फॉर्मेट में दिखे, मींस x अपॉन y फॉर्मेट में दिखे, जहां पे y इज नॉट इक्वल टू जीरो हो और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब y की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो चलेगा। सेम यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी चलेगा। ओके, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है ये यहाँ पे हम इसको अपॉन बोलेंगे या फिर डिवाइड, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, इस प्रकार आप बोल सकते हो, या फिर एक्स अपॉन वाई, क्या एक्स अपॉन वाई अथवा एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ओके, अब ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमिनेटर। ओके, अब नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब इस तरह के जितने भी नंबर फॉर्मेट दिखेंगे, मतलब ये जो नंबर है वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, बस वो इस फॉर्मेट में होने चाहिए, लाइक दिस 4/7, 3/8, 5/7, इसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। ओके, अब ये जो फ्रैक्शन है उसके टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट टाइप है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मींस जो ऊपर वाला नंबर होगा वो इस वाले नंबर के अकॉर्डिंग छोटा होगा। अगर हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर की कंपेरिजन करें तो नीचे वाला नंबर जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा और ऊपर वाला नंबर स्मॉल रहेगा। ओके, ये चीज आप माइंड में रखना, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन इजीली मिल जाएगी। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन का। जो भी यहाँ पे था, क्या था कि न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉल होता है एंड डिनोमिनेटर बिग होता है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा, इट्स मीन्स डिनोमिनेटर विल बी बिग एंड, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होगा। ओके, और जो डिनोमिनेटर विल बी स्मॉल, ओके, मतलब वो छोटा होगा, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ये तो आपने साइंस बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल से आप इस तरह राइट डाउन कर सकते हो। अब एक आपका आता है थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने देखा होगा कई बार फ्रैक्शन जो है वो इस तरह इस फॉर्मेट में लिखे हुए दिखते होंगे आपको, आपकी बुक में, मतलब बहुत ही विचित्र दिखते होंगे, राइट। तो इस तरह के जो भी फ्रैक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के नीचे जो भी हम डिवाइड के नीचे राइट डाउन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया मैंने 2/4 - 3, अब ये 3/2 + 3/5, मतलब ये आगे चल के कंटिन्यूस होता जा रहा है। ओके, अनदर एग्जांपल इज 1/1 - 3 डिवाइड में 5+2 और 2 के डिवाइड में 1+4 और 4 के डिवाइड में 3-2, मतलब ये में क्या फ्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूड चल रहे हैं, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये बात हो गई फ्रैक्शन के टाइप्स की। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमने देखे होंगे बहुत ही बड़े बड़े फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका स्मॉलेस्ट जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 21/12, तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो
तो हम क्या करेंगे कि हमें देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों ही नंबर उस कॉमन टेबल में आते हैं। ओके, तो यहाँ में दिख रहा है यहाँ पे 21 मींस ये 3 के टेबल में आता है, और यहाँ पे है 12 मतलब 12 भी 3 के टेबल में आता है कि नहीं? यस आता है, मतलब दोनों ही नंबर, न्यूमिनेटर का जो नंबर है वो और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो, दोनों ही नंबर 3 के टेबल में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 के टेबल में आ रहे हैं तो वो 3 से ही कट कर देते हैं, मतलब कि इसको कट करेंगे तो ऊपर भी 3 लिख देंगे, नीचे भी 3 लिख देंगे, इस तरह कुछ कुछ बच्चे से कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो हमारा कॉमन टेबल है उसे हमें पकड़ के रखना है। अब वो टेबल से कितने टाइम में ये कट हो रहा है हमें वो चीज राइट डाउन करनी होती है, मतलब 3 के टेबल से 21 कितने टाइम में कट हो रहा है, तो 3 7 सा कितने टाइम में, 7 टाइम में, तो 3 से हम 7 टाइम में 21 को कट करेंगे। उसी प्रकार अब 12 की बात करते हैं, तो 12 3 के टेबल में कितने टाइम आता है, तो 4 टाइम में, 3 4 सा 12। ओके, मींस हमने कितने टाइम में कट किया, 4 टाइम में, तो यहाँ पे हम जो भी कितने टाइम में कट होता है वो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। ओके, आई होप यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सिर्फ कॉमन टेबल लेते हैं, बाकी हम टाइम वाइज उसको कट करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 3 से कट हुआ है, एक 7 टाइम में और एक 4 टाइम में। उसी प्रकार यहाँ पे तो देखो कॉमन नंबर लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर क्या है 33, नीचे क्या है 11, तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 इसके टेबल में भी आता है और 11 के टेबल में, मतलब समझो यहाँ पे 11 के टेबल में 11 आता है, ओके, एंड 11 के टेबल में 33 भी आता है, 11 3 जा, मतलब कॉमन टेबल क्या हुआ 11। अब कितने टाइम में कट हो रहा है, तो 11 तो 1 टाइम में कट हो जाएगा, ओके, और ये 33 3 टाइम में कट हो जाएगा। अब नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 1 अगर आता है तो अगर उसको रखो कि ना रखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इट्स मीन्स जो हमारा आंसर है वो 3 भी होगा तो भी चलेगा, मतलब अगर ओनली 3 लिखते हो तो भी आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, 18/14। अब यहाँ पे कॉमन टेबल कौन सा होगा, तो जब यहाँ पे दोनों ही एक ही टेबल में ना आ रहे हों, दोनों ही एक ही टेबल में ना आ रहे हों, तो हमें सबसे छोटे डिजिट से इसको कट करना स्टार्ट करना होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है लास्ट वाला डिजिट क्या है, 8, और इसका लास्ट वाला डिजिट 4, मीन्स ये दोनों ही किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के, किसके टेबल में, 2 के टेबल में, तो 2 से कितने टाइम में कट हो रहा है 18, तो 2 से ये 18 जो है वो 9 टाइम में कट हो रहा है, राइट, एंड जो 14 है वो 7 टाइम में कट होता है, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, मीन्स 2 से दोनों टेबल सॉरी नंबर कट हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा है कि कट होंगे, जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ओके चलो उसका ठीक है, लेकिन जो 7 है वो किसी के टेबल में आता है क्या, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, मतलब हमें यहाँ पे आगे कॉमन नंबर मिल नहीं रहा, मतलब हम इसको और आगे कट कर सकते नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस तरह के भी आपको मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। अभी देखो नॉर्मल से अगर बात करें हम, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, अब मैं इसमें से आपको पूछूं कि यहाँ पे कौन सा नंबर बिग है, तो आप फटाफट बोल दोगे कि यहाँ पे मैं 8 नंबर जो है वो बिग है, राइट, तो हम यहाँ पे तुरंत ये वाला साइन पुट कर देंगे। ओके, तो हम ये इजीली बता सकते हैं, लेकिन जब ये फ्रैक्शन में दिया हो तो कैसे बताने का, तो इसका सिंपल वे है कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसको आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किस प्रकार करते हैं, आपने 7th क्लास में सीखा था, ओके, तो 4 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, तो 4 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो हम ऊपर 0 पुट करेंगे और पॉइंट, 4 7 जा 28, फिर यहाँ पे कट होगा तो 2 4 0 4 5 जा, मतलब 0.75 समथिंग आंसर आएगा। अब उसी प्रकार हम इसको कट कर लेंगे,
तो 5 से 7 को 5 वंजा 5 क्यों लिया, क्योंकि 5 से 7 जो है वो 5 से तो बड़ा था, हम 1 ले ही सकते हैं, ठीक है। अब 2 0 लेंगे, जब 0 लिया तो ऊपर पॉइंट पुट करेंगे, तो 5 4 जा 20, मींस यहां पे जब 0 0 हो जा रहा है, ओके। और इसका आंसर आया, एक आंसर है 0.75 और एक आंसर है 1.4। अब देखो ये 0 है लेकिन ये 1 है, इट्स मींस हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 0 है मतलब ये छोटा होगा और ये 1 है मतलब ये बड़ा होगा। तो मींस दोनों नंबर में हम कंपेरिजन करें तो ये वाला नंबर बड़ा है, बट हमें फ्रैक्शन के बीच साइन पुट करना है, तो ये आंसर किसका था, 7/5 का। इट्स मींस आप आंसर इस तरह पुट करोगे, 3/4 लेस देन 7/5 इस प्रकार, ओके। एंड सेकेंड मेथड होती है कि जो ये क्या है डिनोमिनेटर है उनको आप सेम कर दो, उस प्रकार भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, मीन्स दोनों के टेबल में कॉमन चीज क्या है, 20, क्योंकि 20 इसके टेबल में भी आता है और इसके टेबल में भी आता है, मतलब 4 के टेबल में भी 20 आता है एंड 5 के टेबल में भी 20 आता है। तो हम यहाँ पे 3/4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब भी हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो जो भी नंबर से हम अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर से हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मीन्स इस प्रकार 3/5 = 15 एंड 4/5 = 20 एंड 7/5 उसमें भी हम किससे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 4 से, 7/4 = 28 एंड नीचे 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 सेम है, तो उसको देखना नहीं है, ऊपर के नंबर देखने, तो कौन बिग है, 28, इट्स मीन्स 7/5, ओके। दोनों ही मेथड से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट मेथड ये है और सेकंड ये है, जो आपको इजी लगे, ओके। और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। चैप्टर नहीं है ये, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये आपके चैप्टर में आएंगे, उससे पहले मैं आपको बेसिक समझा देना चाहती हूँ ताकि आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ओके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।